Welcome to Sara Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पिछली क्लास में हमने आदात के मुख्तलिफ अकसाम देखे थे। आदात अपनी खासियतों के बिना पर कहीं और भी ढल जाते हैं। उन खासियतों के बिना पर आदात की मुख्तलिफ अकसाम हम अभी देखेंगे। मसलन जुफ्त आदात, ताक आदात, मुफरिद आदात, मुरक्कब आदात या जिनको गैर मुफरिद आदात कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फिथागोरस के तहरे आदात। बात करें हम जुफ्त आदात की, तो जुफ्त आदात की तारीफ यूं की जाती है, ऐसे आदात जो दो से तकसीम होने के बाद बाकी सिफर बचाते हैं या बाकी कुछ भी नहीं बचाते। तो इनकी अगर हम मिसाल लेते हैं, दो चार छ आठ दस, लेकिन चूंकि आदात बड़े हो जाएं, तो ये जुफ्त आदात को पहचानने के लिए आसानी के लिए यहाँ पर हमको इकाई का मुकाम देखना होगा। आया इकाई के मुकाम पर जीरो, दो, चार, छ और आठ में से कोई एक भी अदद हो तो हम बगैर किसी तकसीम किए के ये बता सकते हैं कि दिया गया आदत जुफ्त है। जुफ्त आदत के लिए तारीफ, ऐसे आदत जो दो से काबिल तकसीम है और बाकी सिफर बचाते हैं, या फिर यूं कहें इकाई के मुकाम पर जीरो, दो, चार, छ, आठ या फिर सिफर हो। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसी के मुनासिबत से कुछ ऐसे आदात भी होते हैं जो दो से तकसीम होने के बाद बाकी एक बचाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक, तीन, पांच, सात, नौ, ग्यारह वगैरह। चूंकि ये एक हिंसी आदत हो तो हम ये याद रख सकते हैं, एक, तीन, पांच, सात, नौ वगैरह। लेकिन दो हिंसी, चार हिंसी, दस हिंसी आदात हो तो इनको देख करके बताना मुश्किल तरीन अमल होता है। तो उसके लिए हमको याद रखना है कि ऐसे आदात जिनके इकाई के मुकाम पर एक, तीन, पांच, सात, नौ हो ताक आदात कहलाएंगे। या फिर ताक आदात की तारीफ एक मरतबा और एक मरतबा हम करते हैं, तो यूं कि ऐसे आदात जो दो से तकसीम होने के बाद एक बाकी बचाते हैं, या फिर इकाई के मुकाम पर एक, तीन, पांच, सात और नौ रखते हैं। तो ये खासियत थी, ये दो से तकसीम पजीरी की बिना पर खासियत थी। जुफ्त आदात बाकी सिफर बचाते हो, ताक आदात बाकी एक बचाते हो। क्योंकि दो में पहला आदत ताक होगा तो उसका सीक्वेंस नंबर, उसका सक्सेसिव नंबर या उसका पेशरू और पसरू दोनों नंबर जुफ्त होंगे। अगर कोई ताक आदत है तो पेशरू और पस्तरू दोनों जुफ्त होंगे। अगर कोई जुफ्त है तो उसका पेशरू और पस्तरू दोनों ताक आदत होंगे। इसके बाद हम आदत की एक और खास खासियत की बिना पर एक नाम देते हैं, मुफरिद आदत। मुफरिद आदत आदत की ऐसी अकसाम है जो अपने और एक के अलावा किसी से भी तकसीम नहीं होती हैं। अपने और एक के अलावा किसी से तकसीम नहीं होती है, या फिर दीगर अज्जा अपने अंदर मौजूद नहीं रहती हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर देखते हैं, दो, दो एकन दो, खुद दो है और एक एक अदद है। इसी तरीके से तीन, पांच, सात, ग्यारह, ग्यारह किसी भी अदद से तकसीम नहीं होगा बजुद उसी के, ग्यारह एकन ग्यारह। इसी तरीके से हम आदत देखते हैं तो हमारे पास अंदाजा होता है कि ये अपने अंदर खुद के अलावा किसी और दूसरे को रहने नहीं देती हैं, या मौजूद नहीं होने की बिना पर ही इनको मुफरिद आदात कहा जाता है। मुफरिद आदात के अलावा जो दीगर आदात होंगे उनको हम या तो गैर मुफरिद आदात का नाम देंगे या मुरक्कब आदात का नाम देंगे। मुरक्कब आदात के लफ्ज के साथ ही हमें समझ में आ जाता है कि ये किसी ना किसी चीज का मुरक्कब है या मिक्सचर है। तो इसकी तारीफ यूं की जा सकती है, ये ऐसे आदात हैं जो अपने अंदर खुद के अलावा, खुद और एक के अलावा दीगर अज्जा भी रखते होंगे, या फिर ऐसे आदात जो रखते हैं उन्हीं को हम
गैर मुफरिद आजाद या मुरक्कब आजाद के नाम से जानेंगे। अगर हम मिसाल देते हैं 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 वगैरह, दो दुगने चार, दो तिया छह, चार दुगनी आठ, दो चौक आठ, इसी तरीके से 3 तिया 9, 9 एक 9 तो तकसीम होता ही होता है, लेकिन साथ में 3 से भी तकसीम होता है, या 10 एक 10 के साथ में 2 5 10, मतलब 2 और 5 इसके जुजुर भी हैं। अगर हम 4 की बात करेंगे, 2 अदद 1 चौक 4, उसके अलावा 2 से 2 मरतबा तकसीम होता है। 6 में अगर हम गौर करते हैं, 2 तिया 6, 6 एक 6 एक मरतबा, 2 और 3 को ये जुजुर भी रखता है। इन दोनों को देखने के बाद कुछ चीजें याद रखनी होती हैं। हमारे यहाँ जो तमाम तर आजाद है उनको हम 2 हिस्सों में पहली बार बांटे थे, जिसको हम नाम दिए थे जुफ्ता और ताक आजाद। एक खासियत की बिना पर का 2 से तकसीम पजीरी की खासियत की बिना पर तकसीम किए थे, जुफ और ताक की बुनियाद किए थे। उसके बाद ये खासियत है तकसीम पजीरी या फिर अपने अंदर जुजुजर भी रखने की, जो खासियत है रखने वाले आजाद को हम गैर मुफरिद नाम दिए, जुजुजर भी ना रखने वाले आजाद को हम मुफरिद आजाद दिए। इन दोनों की बिना पर कुछ और आजाद वजूद में आते हैं। हम देखते हैं तो 2 खास आजाद वजूद में आते हैं। पहला एक अदद होता है जुफ्त मुफरिद आजाद। जुफ्त मुफरिद आजाद, अगर हम तमाम तर मुफरिद आजाद को देखते हैं, 2 एक ऐसा अदद है जो जुफ्त है लेकिन मुफरिद की फहरिस्त में आता है, जबकि बाकी के तमाम तर आजाद जितने भी होंगे ताक आजाद ही होंगे। तो हमारी आजाद की दुनिया में मुफरिद और गैर मुफरिद के मामले में आने पर हमारे पास एक ही एक ऐसा अदद बचता है 2, जो जुफ्त होने के बावजूद मुफरिद अदद होता है। तो हमको याद रखना है जुफ्त आजाद में सिर्फ 1 अदद मुफरिद अदद होगा और वो 2 होगा। इसके बाद हम इससे पहले की क्लास में देख चुके हैं आदाद को, तबई आदाद की अगर हम बात करेंगे तो ये शुरू तो होते हैं 1 से, तो फिर 1 कौन सा आदाद है? 1 चूंकि जुफ्त आदाद में होता है लेकिन हमारे पास मुफरिद आदाद में है ना, उसकी तारीफ गैर मुफरिद आदाद में की गई है। चूंकि 1 जो अदद है वो हर अदद के साथ में मौजूद होता है, उसके खुद के साथ में वो मौजूद होता है, चाहे मुफरिद अदद का हम 2 एकन 2 लेते हैं तो भी 1 है, 3 एकन 3 लेते हैं तो भी 1 है, 4 के साथ में 4 एकन 4 या 2 दुगनी 4, तो हर अदद के साथ में मौजूद होता है। तो इसका मतलब मुफरिद आजाद के साथ भी इसका जो ये जुजुजर भी बनाता है, गैर मुफरिद के साथ भी बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं 1 एक ऐसा अदद है जिसको हम मुफरिद का नाम नहीं दे सकते, गैर मुफरिद का नाम नहीं दे सकते। तो हम यूं कहेंगे 1 ऐसा अदद, 1 ऐसा अदद है जो ना तो मुफरिद है ना ही गैर मुफरिद है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि जमात दहम में हमारे यहाँ फिजा और अफ्तार मसला होता है, उसके आदाद अगर हम याद रखते हैं तो मुख्तलिफ टॉपिक्स में, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे तहलीली ज्योमेट्री हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो, आसानी के साथ अगर इन नंबर्स को याद रखते हैं तो आपको मदद मिल सकती है। तो फिजा और अफ्तार के मुताबिक हमारे पास रब्ता होता है किसी भी कायम दाविया मुतलस के वितर का मुरब्बा मसावी होता है इसके दोनों जिलों के मुरब्बों के मजमुओं के। तो यहाँ पर इसी को बेस बनाते हुए फिजागोरस के तहरे आदात को जाहिर किया जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर 3, 4, 5, 3 का मुरब्बा होता है 9, 4 का मुरब्बा होता है 16, ये 9 जमा 16 मसावी होता 25, मतलब 5 का मुरब्बा। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं 5 का मुरब्बा 25, 12 का मुरब्बा 144, अगर हम ये दोनों को जमा करते हैं तो 13 का मुरब्बा हासिल होता है जो कि 170 होता है, 170 होता है। इसी तरीके से हम दीगर आजाद को भी हम चेक कर सकते हैं।
बहरहाल आज की जो हमारी क्लास थी वो आदात के खवास पर मुश्तमिल अकसाम थे। इंशाल्लाह आइंदा क्लासेस में आपके साथ दीगर आदात पर बहस होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।